परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो भगवान शिव कहने लगे कि कहां वो तेरा बेटा ताकि सामने लेटा हुआ है। अब भगवान शिव ने ब्राह्मण रूप में जाकर उस परमेश्वर को गोदी में उठाया और आंख्या में जब आंख मिली, ओए होए, तब सात बार बोले परमात्मा कबीर साहेब, और वो यानी शिव जी सात बार चर्चा की। तब ब्राह्मण रूप में शिव जी कहने लगे नीमाते के नीमा, रोवा मत माई, ये बच्चा मरने वाला नहीं है, इसकी मृत्यु नहीं हो सकती, तो चिंता ना करे, इसके तो बहुत अच्छे नक्षत्र हैं, इसके तो बहुत अच्छे ग्रह हैं, ये ऐसा है जैसे ब्राह्मण लोग बताया करें उस माँ माई का को सांत्वना देने के लिए। तो नीमा कहने लगी ब्राह्मण जी, इस सुखी सांत्वना से मेरी तसल्ली ना हुए, मैं तो जब मानूंगी जब ये बच्चा दूध पी लेगा तो मैं मानूंगी ये बचेगा, नहीं तो बच्चा मेरा मरेगा, ये जीवा नहीं क्योंकि अनहार नहीं कर रहा। तब कबीर परमेश्वर कहने लगे शिव जी ते उस नवजात शिशु 25 दिन के बालक, कहने लगे शिव भगवान ऐसे करो, एक कुंवारी बच्चिया मंगवा लो, कुंवारी, और उसके ऊपर आप हाथ रख देना, उसके सतनाप पर दूध सौरन लग जाएंगे और वो फिर दूध दिया करेगी जब तक वो जीवेगी गाय, बिना गाय दूध दिया करेगी वो। अब भगवान शिव ने नीरू से कहा, उसको तेरा पति कहाँ है, अग जी वो बाहर दूसरी तरफ बैठा है, उसको बुलाओ। बुलाया, कहा कि नीरू एक गाय लिया कुंवारी बछिया जिसको जो कभी बच्चा ना हुआ हो और वो ब्याई ना हो, और एक कुम्हार के घर से स्वच्छ पात्र ले आना मटका मिट्टी का, और सिघर कर तेरा बच्चा दूध पीवेगा। अब वो फटाफट गया, कुंवारी बछिया लाया, भगवान शिव ने उसके कमर पे हाथ रख दिया, लंबे लंबे सतन हो गए उसके बछिया के, और दूध निकलने लग गया, पात्र भरते दूध ऑटोमेटिक बंद हो गया, और उस कबीर परमेश्वर ने किलो पक्का दूध पी लिया। जब माता ने सीने से लाया और शिव जी के चरणों में माथा टेकिया, हे ब्राह्मण, आप तो मेरे लिए भगवान उतर के आ गए, आपने मेरी जान बचा दी, और हे भगवान क्या देऊ मेरे पास तो कुछ देने ने भी को ना, मेरे पास तो कंगाल के पास आपको दक्षिणा भी नहीं दे सकती। शिव जी बोले बेटी, हम दक्षिणा लेने वाले ब्राह्मण को ना, हम तो देते हैं लेते नहीं। यो कहकर वहां से भगवान चले गए। तो फिर क्या हुआ कि उनका ऐसी सती थी आगी दोनों की, नीरू और नीमा की, के रोजी और रोटी और बच्चे के दूध का जैसे गाय का खर्चा बिल्कुल नहीं चले, क्यों माता तो सारा दिन बच्चे को खिलाने में लगी रहे, और पहले वो दोनों मिलकर कपड़ा बुना करते थे तो उनकी रोजी रोटी मुश्किल होगी। दोनों बैठकर रो रहे हैं, परमात्मा देख किसे कर्म इन प्राणी, हमारे इतना भी पिछले पुनः जन्म में हमारे से पुण्य नहीं हुआ कि जिसके आधार पर आज हमें भगवान रोटी दे देता, आज हमारी रोजी रोटी के भी लाले पड़ गए। तब वो नवजात शिशु बच्चा एकदम बच्चे जैसी हरकत की उसने, उनकी दृष्टि गई और ऐसे अपने हाथ से पकड़ के अपना जो नीचे कपड़ा बिछा रखा था दाता ने, और न्यो कर दिया, और नीचे देखा तो एक असर पी सोने की उस बंदी छोड़ के वो तड़े कपड़े का नीचे मिली। ओए होए, और उनके मन में क्या हुई कि ओए होए, ये तो बालक के बतावा नहीं किसे, तो कदे नजर लाग जाए हमारे बेटे के, ये तो जमा ना जाने के अवतार आया है। असरफी को ले गए और बेची, अपने जैसे घर में एक महीने का खर्चा ले आए और बाकी का भंडारा कर दिया। ऐसे उनका फिर रोजगार शुरू हो गया उस परमेश्वर की रजाते। अब फिर आए काजी नामधन ने, काजी आगे उस बच्चे का नाम रखने के लिए, नामांकन करने के लिए। अब काजी लोग क्या कर, कैसे नामांकन करते हैं, एक कुरान शरीफ जैसे दास ने आपको दिखाई थी, एक कुरान शरीफ लाते हैं और उस कुरान शरीफ को ऐसे खोलते हैं, कोई मंत्र सा पढ़ कर, और ऐसे खोलते हैं तो पहला अक्षर जो होता है उसके ऊपर नाम रखते हैं बच्चे का। तो जो ही उन काजियों ने ऐसे कुरान शरीफ को खोला तो पहले क्या लिखा उसमें पाया कि कबीरन, कति कोने पर कबीर,
अब उन सोची भाई कबीर नाम तो अल्लाह का नाम है, ये तो बहुत पाक नाम है, और ये छोटी जाति वाले का यानी इस गरीब आदमी का नहीं रखेंगे, ये तो उच्च घरानों में रखने योग्य। उन दोनों ने फुसफुस करी बैठ कर, काजी और मुल्ला ने अंदर ही अंदर कह लगा और देख लेता है। फिर उसने दूसरी जगह खोला, दूसरी जगह खोली वह कुरान पूरी उस पृष्ठ पर जिस पे उन्होंने खोला था पूरी पर कबीर कबीर कबीरा कबीरा खबीरा ये सारे लिखे पाए, दूसरा लेख नहीं रहा जो कुरान शरीफ में था। उन्होंने सोची ये क्या, और देख पूरी कुरान शरीफ को देख लिया उथल पुथल करके, लेख खत्म हो गया केवल नाम कबीर रहा। और परमात्मा बोले काजी मेरा नाम कबीर रहेगा। अब वो तो ना तो नाम रखा, पटक के चले गए। उस कुरान को भी मैं पटक दिया, किसी ने तुम्हारा दीन भ्रष्ट कर दिया, ना जाने के जादू जंतर कोई सिद्ध है यू जादू जंतर जानने वाला है, क्योंकि वो ऊंच घरानों में क्यों रखते हैं वो लोग, ये पेट भर लोगों का काम है, चाहे हिंदुओं के गुरु चाहे मुसलमानों के सिखों के चाहे ईसाइयों के, इसलिए उनकी नीत खराब हो रही है कि गरीब आदमी तो देगा चार आने, और अमीर के घर में जाइयो नाम निकल जाए मिले 100 रुपये तो इन्हों के वहां रखने योग्य है, ये गरीब का रखने योग्य नहीं। तो ऐसे उस परमेश्वर ने उन नादान आत्माओं का भरम निवारण किया और कहा कि मेरा नाम कबीर ही चलेगा। अब जब तक अंत होगा कलयुग का तब तक इस कबीर परमेश्वर को कोई मिटाने वाला नहीं, ये नाम इसका सदा चलेगा। और हर युग में उनका एक ही नाम चलता है, वो कबीर नाम अब कलयुग में इनका सदा बना रहेगा। अब ये जब 5 वर्ष की आयु दिखा रहे थे परमेश्वर, ये लीला कर रहे थे एक, देखो भगवान जब आता है वो मनुष्य जैसा ही है और हमारे जैसे ही क्रिया करके दिखाएगा तो हम उसके निकट रहेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनकी बताई हुई क्रिया को समझेंगे। जब वो 5 वर्ष के हो गए तो उन परमात्मा ने, वो तो जान ही जान थे, उन्होंने भविष्य देखा कि ये सोचा कि ये लोग अगर मैं गुरु नहीं बनाऊंगा किसी को तो आने वाले समय में ये काल के दूत यूं क्या करेंगे कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। देखो भगवान कबीर साहब ने कोई गुरु नहीं बनाया था, और गुरु के बिना ये जीव मुक्त नहीं हो सकता, चाहे कितनी बात बना पर पूरा गुरु हो, अधूरे गुरु से भी नहीं बात बने। अब गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने, कबीर देव ने, ये रामानंद जी जो महापुरुष थे ये बाल ब्रह्मचारी थे और 16 वर्ष की आयु से ही ये भक्ति बन लग गए थे, और उस समय उनकी 104 वर्ष की आयु हो चुकी थी जब कबीर परमेश्वर अपने 5 वर्ष का शरीर की आयु दिखा रहे थे। अर्थात इन दोनों के शरीर में मतलब जो अंतर है वो 99 वर्ष का था, इतने बड़े थे, 99 वर्ष वो रामानंद जी आयु में उनसे बड़े थे, ऐसे नजर आ रहे थे। वैसे तो कबीर साहब की महिमा का आपको धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन ये लोग अपने सत्ज्ञान को समझाने के लिए, वास्तविकता बताने के लिए परमात्मा ने ना जाने कितने प्रकार के कारण बनाने पड़ते हैं। अब 5 वर्ष की आयु में जब परमेश्वर ने यह धारणा की, उस समय रामानंद जी ब्राह्मण थे जाति के, और केवल ब्राह्मणों को ही दीक्षा दिया करते थे, उन्हीं को शिक्षा दिया करते थे, अन्य जाति वालों को ना दीक्षा देते थे ना कोई शिक्षा देते थे। लेकिन थी बहुत पुण्य आत्मा रामानंद जी, चारों वेदों के ज्ञाता थे, गीता जी का कंठस्थ याद किया हुआ था, और जितना उन्होंने समझा था वेदों को उसके आधार पर अपने शिष्यों की ड्यूटी ला रखी थी, इस उत्बोध की धावना बंद कर दी थी, पूजाएं उन्होंने बनारस को काफी सुधारा था उस महापुरुष ने, लेकिन फिर भी वो पूर्ण ज्ञान ना होने से अधूरा ही था। और ये भी कमजोरी थी महापुरुष में कि अन्य जाति वालों से नफरत कराया करते, और छोटी जाति वालों को तो वो दर्शन भी नहीं करते थे, कपड़ा भी नहीं छूने देते थे, इतनी छुआछूत में गर्क थे। तो परमात्मा ने यह भी भ्रमणा उसकी मिटाने के लिए क्या किया, कबीर साहब ने एक 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप बनाया, और रामानंद जी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए गंगा में जाते थे, वहां एक पंचगंगा घाट बना हुआ है, आज भी विद्यमान है, और वहां रामानंद जी का एक छोटा सा आश्रम भी बना हुआ है, और वो आश्रम पहले उस गंगा से थोड़ा सा दूरी पर था, 2-3 एकड़ की दूरी पर, अर्थात 500-600 फुट की दूरी पर। तो वहां से अपने आश्रम से चल के वह महापुरुष उस पंचगंगा घाट पर प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में वक्त सवेरे उठकर स्नान करने जाते थे। परमात्मा कबीर साहब ने 2.5 वर्ष के रूप बच्चे का रूप बनाया और उस पौड़ियों पर लेट गए। अंधेरे में जब वो महापुरुष जा रहे थे स्नान करने के लिए, नीचे उतरने लगे घाट में, तो स्वामी जी की खड़ा हूं
कबीर परमेश्वर के शर्मा लगी और बच्चे की तरह लीला करने लगे, रोने लगे। रामानंद जी एकदम झुके नीचे को कि किसी बच्चे का चोट लगी, क्योंकि संत दयालु बहुत होते हैं। एकदम नीचे झुके और कहा, बेटा रो मत, रो मत, गलती से लग गया बेटा मेरा पैर। अरे तू बालक कैसे आ गया। जो ही वो झुके नीचे को तो उनके गले की एक कनखी होती है, ये वैष्णो साधु और ये कबीरपंथी भी आजकल इसी की दोनों रस्म रिवाज मनाते हैं कि एक तुलसी का मणिया होता है उसमें, उसको कंठी बोले और वो प्रतीक मानते उपदेश होने की वैष्णो परंपरा थे। तो वो कंठी रामानंद जी भी डाले हुए थे और वो माला कंठी जो है एकदम नीचे उसके सिर से निकलकर रामानंद जी के और कबीर परमेश्वर के गले में डल गया अंधेरे में। और रामानंद जी सिर पे हाथ रख के कहते, बेटे राम राम बोलो, राम राम बोलो, रो मत, राम के नाम तो दुख दूर होते हैं, बोलो राम राम। कबीर साहब चुप हो गए और रामानंद जी कहने लगे, बेटा बैठ जा, अभी मैं स्नान कर लेता हूं, तुझे आश्रम ले चलूंगा, घबरा मत, जिसका होगा भिजवा दूंगा। अब कबीर साहब चुप हो गए, रामानंद जी स्नान करने लगे। कबीर साहब वहां से अंतर ध्यान हुए और अपने मुंह बोले, माता पिता की झोंपड़ी मां के विराजमान हुए। रामानंद जी ने घंटा सारे में स्नान करके देखा कि इतने में चांदना हो गया, लड़का कहीं दिखाई नहीं देता, सोचा चला गया होगा किसी का बालक, कहां ढूंढो उसको। बात समाप्त हुई। कुछ दिनों के बाद वो कबीर परमेश्वर 5 वर्ष की आयु में जब थे तो कहां पहुंचे, एक रामानंद जी का शिष्य विष्णु प्राण को सुना रहा था और भगवान विष्णु की लीलाएं का गुणगान कर रहा था, सत्संग हो रहा था और वो परमात्मा कबीर परमेश्वर जाकर विराजमान हो गए उस उनके सत्संग में। जब सत्संग समापन हो लिया तो कबीर साहब ने खड़ा होकर याचना की कि हे रिसीवर, ये दास आपसे कुछ शंका समाधान चाहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक प्रश्न करो। कहा करो बच्चा, करो, क्यों नहीं करो, और यही नहीं करोगे तो कहां करोगे। अच्छा कि स्वामी जी, अभी आपने बताया कि भगवान विष्णु सर्वेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये अजरो अमर हैं, ये सर्वशक्तिमान हैं, कुल मालिक है, इन्होंने कंस को मारा, इन्होंने चानूर को मारा, इन्होंने जरा सिंह को मार डाला, ये श्री राम रूप में आए थे और ये अजरो अमर हैं, विष्णु जी सर्वशक्तिमान हैं, सारे ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। और मैंने एक दिन शिवपुराण सुनी थी, ऐसे एक ब्राह्मण व्याख्या कर रहा था, वो पढ़ रहा था कि भगवान सदा शिव से विष्णु की उत्पत्ति हुई पार्वती से, और भगवान शिव से विष्णु की उत्पत्ति हुई और फिर उन्हीं से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। आप कहते हो इनके कोई माता पिता नहीं। अब देखो, जो पढ़ते हैं उनको ये बातें याद तो हैं पर उनकी बुद्धि काम ना करती, क्योंकि काल ने कहा मेरे अंतर्गत जितने प्राणी उनकी बुद्धि मेरे हाथ में है, जब चाहो इनमें ज्ञान भर दूं और जब चाहो इनमें अज्ञान भर दूं, ये मेरे हाथ में, गीता में स्पष्ट लिखा उसने। अब ये देखिएगा श्री शिव महापुराण ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें ब्रह्मा और विष्णु और शिव के माता पिता का वर्णन, ये कहां से प्रकाशित है, ये कौन है अनुवादक, इसका संपादक है, संस्कृत से हिंदी करने वाले हनुमान प्रसाद पोदार और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मुद्रित है। इसके रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 में इसमें क्या लिखा है देखिएगा, रुद्र संहिता और यहां से प्रारंभ करते हैं हम नीचे, ये 100 नंबर पृष्ठ से, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। आज कोई नया शास्त्र नहीं रचा दास ने, ये पहले का 5500 वर्ष पुराना शास्त्र है। यहां पर देखिएगा कि इसमें क्या है, ये पुराण जो प्रारंभ होती है ये इस भगवान काल से शुरू होती है, इसको सदाशिव कहते हैं, काल को ब्रह्म भी कहते हैं, यही अपने 3 रूप बना लेता है, जब चाहे ये महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप धारण कर लेता है और फिर दुर्गा को इस शेरा वाली को अपना अपनी पत्नी रूप में रखता हुआ इसने एक ब्रह्म लोक में 3 स्थान बना रखे। अब इसके साथ इसका लिंक है थोड़ा सा, ये भी आपको हिंट देना पड़ेगा तब ये कहानी समझ में आओगी आपके। अब क्या स्थिति है, एक ब्रह्मांड देखिए पहले, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है,
इस ब्रह्मांड में इस काल ने क्या रचना की हुई है कि ये एक ब्रह्मलोक बना रखा है। यहाँ पर ब्रह्मलोक, इस ब्रह्मलोक में इसने तीन गुप्त स्थान बना रखे हैं। ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये माँ विष्णु रूप में खुद काल रहता है और दुर्गा को माँ लक्ष्मी रूप में रखता है। इनके संयोग से, दोनों के संयोग से जो यहाँ पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ये विष्णु रखते हैं और उसको सतोगुण बना देते हैं। और फिर ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है इसी ब्रह्मलोक में, और इसको ये स्वयं सदाशिव रूप में स्वयं रहता है काल, और दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। और यहाँ जब इन दोनों के संयोग से जब इनका जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ये शिव रख देते हैं और तमोगुण बढ़ा देते हैं, भर देते हैं उसमें। और तीसरे में ये खुद रजोगुण प्रधान क्षेत्र में यही काल महाब्रह्मा रूप में रहता है और अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता हुआ जो यहाँ पुत्र इनके संयोग से उत्पन्न होता है उसको ये रजोगुण बनाकर ब्रह्मा नाम रख देते हैं और इन तीनों को बेहोश कर देते हैं जब ये थोड़े से बालक होते हैं, ताकि इस काल के भेद ने समझ ना सके। और जब ये बड़े जवान होते हैं तो इन तीनों को, ब्रह्मा को कमल के फूल पर, विष्णु को शेष सैया पर और शिव जी को कैलाश पर्वत के ऊपर हौस में ला देते हैं। इनको आप नहीं पता हमारे माता पिता कौन है। अब हीट एंड ट्रायल मेथड से ये पता लगेगा इनको कि हम कौन, हमारी माँ है। अब देखो, और उसके बाद इन तीनों पुत्रों को अलग से राज देते हैं। यहाँ पर देखिए, अलग से तीन लोक फिर रख देता है ये काल अपने बेटों का। इसमें विष्णु लोक में ये अपना पुत्र विष्णु और इनकी शादी करके एक लड़की का, उसका लक्ष्मी नाम रखकर इन दोनों का ब्याह करवा दे कर देती है दुर्गा। लेकिन काल सामने नहीं आता, वो गुप्त रहता है। फिर दुर्गा ये सब काम करती है। और यहाँ पर ब्रह्मा का लोक, ये शिव का लोक, ये तीनों भगवान काल के पुत्र यहाँ बैठकर अपनी राजधानियों से तो यहाँ कंट्रोल करते हैं तीन लोकों में, स्वर्ग लोक, ये पृथ्वी लोक, ये स्वर्ग लोक, और नीचे ये पाताल लोक। इन तीन लोक पर ये अपने प्रभु हैं, एक एक विभाग के। और ये दुर्गा का इसमें अलग से लोक भी है, देखो ब्रह्म लोक में। यहाँ पर फिर ये दुर्गा यहाँ आ जाती है जब यहाँ तीनों पुत्रों के उत्पन्न हो जाने से, के बाद ये दुर्गा अपने अलग लोक में रहती है। यहाँ आके फिर सारा काम संभालती है। और ये एक महासुर्ग है इसी ब्रह्म लोक में, महासुर्ग जो ओम नाम का जाप करने वाले, ब्रह्म को प्रभु मानने वाले प्राणी ऋषि लोग यहाँ जाते हैं। इसमें इस काल ने एक और नकली व्यवस्था कर रखी है, इसी ये बहुत लंबा विस्तार है, ये थोड़ा सा हिंट दे रखा है। इसमें एक नकली सतलोक, नकली अलख लोक, नकली अनामी लोक और नकली अगम लोक, नकली अनामी लोक की रचना भी इस काल ने करवा रखी है। पता है इस काल ने कि कलयुग आएगा, उसमें सतलोक की महिमा का वर्णन होगा, उससे पहले इन जीवों को गुमराह कर दूं नकली लोक बनाकर और इन प्यारी आत्माओं को यहाँ धोखा देकर रखता है। इसके बाद 21वें ब्रह्मांड में भी इसने ऐसी रचना की है, तो ऐसे इस काल का जाल समझना है। अब ये महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में जहां से ये पुराण प्रारंभ होती है, ये काल से प्रारंभ होती है। अब देखो, अब समझ में आओगी आपके ये कहानी, ये वही शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। एक बार हम नासिक में सत्संग कर रहे थे, प्रारंभ किया तो ऐसे मैंने ये पुस्तकें दिखाई, और फिर वो अंदर ना दिखाया मैंने ये वाला, ये ऊपर 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 का दिखा दिया, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। तो बाद में दो चार भक्त आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ये संत कोई षड्यंत्रकारी लगा है, ऊपर का कवर तो इसने लगा है, बनवा रखा गीता प्रेस गोरखपुर का, और अंदर ये अपनी अपनी ठोक ठोक रहा है, इसमें कोई सोच। तो मुझे पता लगा, फिर मैं ये दिखाने लगा, मैं देखो भाई अंदर भी ऐसा ही लिखा है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, और ये कहाँ से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से। अब बिल्कुल सही ऐसा ही लगेगा, क्योंकि ये सत्यज्ञान अभी तक हमारे हृदय में आया नहीं। इन पुराणों को पढ़ते पढ़ते हमारे दादे परदादे चले गए, उनकी समझ में आया नहीं, क्योंकि विद्यार्थी नहीं समझ सकता सिलेबस को, वो टीचर समझाते हैं। हमारे टीचरों का समझ में ना, एक धार्मिक गुरुओं का, तो समझावे क्या समाज को, इस करके सारी बात बिगड़ गई। अब देखो रुद्र संहिता, और 100 नंबर प्रश्न से देखिएगा, अब ये देखो, ये महादुर्गा रूप में, महापार्वती रूप में दुर्गा रहती है, प्रारंभ होती है काल और दुर्गा से शिव प्राण। तो यहां इस दुर्गा की महिमा गाई जा रही है भवानी की, क्या कहते हैं, उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति, ये प्रकृति शब्द याद रखना, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, शेरा वाली को, और सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी,
ओए होए, तीनों देवताओं की माँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता भी कहते हैं, ये त्रिदेव जननी आपके सामने है। नत्ता और मूल कारण भी कहते हैं, सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं, ये काल के पेट से निकाली थी परम पिता ने, इसने गलती खा लिया था, इस लड़की ने इसकी शरण में पेट में शरण ली थी। ये आपको कल सृष्टि रचना सुनाएंगे जब सामने आओगी सारी कहानी। 8 भुजाएं हैं, ये भी संशय निवारण कर दिया कि विचलित ना कर दे ये नकली संत आपको कि वो कोई और होगी, पराशक्ति कोई और है, ये त्रिदेव जननी और जिसकी 8 भुजाएं हैं वही है जो की तो। आगे देखो, अब यहाँ सदाशिव काल की महिमा शुरू होती है। वे सदाशिव हैं, जो वे सदाशिव हैं वो है, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर भी कहते हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते उन काल रूपी ब्रह्म ने, कति स्पष्ट कर दिया वो काल, और कहो चाहे ब्रह्म कहो और चाहे सदाशिव कहो, उस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, मिसप्रिंट है, ये 7 शब्द है, 7 शक्ति यानी दुर्गा को साथ लेकर और शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया, इस ब्रह्मलोक में ये तमोगुण प्रधान अक्षेत्र बनाया। उस उत्तमपुरी को काशी कहते हैं, वो परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप, पति पत्नी रूप में दोनों जने रहते हैं, शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में निवास करते हैं। अब शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी उसे अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। नीचे देखो, ब्रह्मा बता रहा अपने बेटे नारद को, हे देवर्षि, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष यानी पुत्र की उत्पत्ति करनी चाहिए जिस पर हम अपना बार सौंप दें, वो काम संभाले, पुत्र की यानी पुरुष की कोई बेटा उत्पन्न करना चाहिए पुत्र। यहां देखो, यो विचार ऐसा निश्चय करके शक्ति दुर्गा के सहयोग से शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने बाम भांग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया और फिर तो वहां एक बेटा उत्पन्न हुआ, एक पुरुष प्रगट हुआ, उसका नाम क्या रखा ये देखो। शिव ने कहा, बेटा वत्स पुत्र, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। ओए होए, काल कहता अपने बेटे विष्णु को, बेटा तेरा नाम विष्णु होगा। आगे देखो, ब्रह्मा बोल रहा है इस पुराण को, कहता है कि अपने बेटे नारद को बता रहा है कि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम ने, सदाशिव ने जैसे विष्णु को उत्पन्न किया, मुझे भी अपने दैन्य अंग से उत्पन्न कर दिया, अर्थात मेरा भी उत्पत्ति उसी से हुई। अब हो गया दोनों, ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति शिव और दुर्गा से, काल और दुर्गा से। अब यहां देखो, अब यहां ये लेखक जो शिवपुराण लिखने वाला असमंजस में पड़ गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति लिखो तब मुझे पागल कहेंगे, यहां उसने उसको गोलमोल कर दिया, छोड़ दिया, अनुवाद ठीक नहीं किया। आगे देखो, अब ये कहां तक छुपाए, सच्चाई तो आती सामने आती ही है। यहां देखो, अब ये 9वां अध्याय है, 9वां अध्याय समाप्त होता है, इससे पहले ये 9वां अध्याय चल रहा है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। ये चौथा कौन है शिव, ये काल इनका बाप पिताजी है। ये चौथा जो है कि शिव तो गुणातीत माने गए हैं, ये शिव जो है ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता है, और ये 3 अलग लिखे हैं, चौथा ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। कबीर साहब बता रहे हैं कि एक दिन मैंने देवी भागवत महापुराण पढ़ा था, अब ज्यादा डिटेल ना बता करके मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको कि ये कहते हैं हमारा तो जन्म और मृत्यु होती है, क्योंकि मैंने परसों से लगातार कई बार ये पुस्तक दिखा चुका हूँ। अभी थोड़ा सा हिंट इसलिए देना चाहता हूँ कि हर सत्संग में ये स्टूडेंट बदलते हैं, विद्यार्थी यानी ये प्यारी आत्मा भक्त श्रोतागण बदलते रहते हैं, और हम चाहते हैं कि सभी को थोड़ा थोड़ा आंशिक ज्ञान हो, थोड़ा सा फिर अग्रसर हो, फिर देखें इन पवित्र शास्त्रों को, घर पर जाकर जाए यहाँ विश्वास ना हो तो। वैसे तो यहाँ अविश्वास का गुंजाइश ही नहीं रहेगी, जो पुण्य आत्मा बुद्धिजीवी होंगे, आपके सामने शास्त्र है, पर्दे पाप के सामने है, और इसमें तो कोई दो राय रहेगी नहीं।
ये देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके कौन है अनुवादकर्ता संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार चमन लाल गोस्वामी। और ये गीता प्रेस मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर। तीसरे सकंद में इसमें यहां से शुरू करते हैं, ये माता दुर्गा की महिमा शुरू होती है। कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं, वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष यानी काल के साथ रहकर ब्रह्म के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। इनको दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये भी याद रखना। ये गीता में काम आओगे आपका 14वें अध्याय में। ब्रह्म के साथ इस काल के साथ उनका अभेद संबंध है, अर्थात पति पत्नी का नाता है। पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, अर्धांगिनी। इनका ब्रह्म यानी काल के साथ दुर्गा का अभेद संबंध है, पति पत्नी का नाता है। अब मैं ज्यादा ना बता करके ये दिखाऊंगा कि इसी तीसरे सकंद में ये भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हम तो जन्म और मृत्यु होती है, हम अजर अमर नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, यहां देखो पहले अपनी माता को देखकर ये तीनों देवता विमान में बैठे और फिर नीचे उतर कर कहते हैं, ये देवी मैंने देखी थी, क्योंकि जो मैं छोटा सा बालक था। विष्णु जी कहते हैं वे ही दिवांगना हैं जिनके मुझे पर्यावरण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप था, छोटा सा बच्चा था, भगवान विष्णु जी बोल रहे हैं, और मुझे पालने में जुला रही थी। वट वर्ष के पत्थर पर सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेट कर अपने पैर के अंगूठे को कमल जैसे मुख में चूस रहा था। ये विष्णु जी बता रहे हैं ब्रह्मा और शिव को, उनका याद नहीं आई, इसको कुछ बात याद आ रही है कि मैं छोटा सा था जब ये माँ मैंने देखी थी, अपनी माता है। अब यहाँ क्या कहते हैं, ये तीसरा स्कंद चल रहा है, तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, अपनी माँ की महिमा गा रहे हैं, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर तो आपकी दया से उत्पन्न हुए हैं, हमारा आविर्भाव, आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, हम तो अजरो अमर नहीं है, नाशवान है। केवल तुम ही नत हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यहां देखो भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से उत्पन्न हुए हैं, प्रगट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब क्या सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता तो दुर्गा सेरा वाली और पिता ये काल भगवान ज्योत निरंजन। अब प्यारी आत्माओं ये सोचना पड़ेगा आपने, अब कोई समय नहीं रहा अंधेरे मंडले ढोने का। जिन महापुरुषों ने आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम पर रोटी खाई, हमारे पूर्वजों को अपने साथ लगा के रखा, और उनको ये नहीं मालूम ये कौन है, क्या है, कितनी सची थी है, इससे सिद्ध है कि वो संत नहीं, वो असंत है। वो टीचर नहीं जिन्होंने अपने सिलेबस को नहीं पढ़ा, जिन्होंने अपने पाठ्यक्रम की पुस्तक भी ना उठा के देखी, जिसके नाम पर तुम शिक्षक बने फिरो, तो वह शिक्षक ठीक नहीं जो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते। अब ये कबीर साहब ने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे सुना स्वामी जी, तो ये क्या कहानी है। अब स्वामी जी को कुछ ज्ञान तो है नहीं, चार बातें सीख कर लतीफेदार हीरों की तरह बढ़िया बढ़िया बातें बना बना के इन प्यारी आत्माओं को गुमराह किए फिर सभी। अब वो तो पसीना आ गया उसका, तो कबीर साहब तो उसका प्रश्न नंबर बतावे भगवान खड़े खड़े। तो कहने लगा कि तू कौन जाति से है, क्या नाम है तेरा, क्या तूने कोई गुरु बनाया है जो तुझे शास्त्रों का ज्ञान है। अब कबीर साहब तो बोले नहीं, इतने में और श्रोतागण ही कहते हैं, ये तो वो है ना नीरू का पुत्र, वो जुल्हे का बेटा, मुसलमान के घर इसका जो परवरिश चल रही है। और जो बोले दूसरे श्रोता, अब वो गुरु जी जो वास कर रहे थे ना सत्संग, वो तो खूब गर्म हो गया, कहने लगा तेरा कौन गुरु है जो तूने शास्त्रों को पढ़ा है। कबीर साहब बोले, मेरा गुरु कौन है बताऊं, जो आपका गुरु है वही मेरा गुरु है, वही पूज्य गुरुदेव मेरे हैं। अब वो ब्राह्मण जाति के
कहने लगा देखो रे श्रोताओ कितना कपटी है, कितना झूठा है, पाखंडी है। मेरे गुरुदेव पता तुझे कौन है? मेरे गुरुदेव है स्वामी श्री 1008 रामानंद जी। कबीर साहब कहने लगे वही गुरुदेव मेरे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो क्या कहता, देखो ये छोटी जाति वाला दुल्हे का बालक हमारे गुरुदेव की बेइज्जती कर रहा है। हमारे गुरुदेव तो इस जैसे नीच व्यक्तियों को, छोटी जाति वालों का कपड़ा भी नहीं छूने देते, और नाम तो दूर की बात है, दीक्षा तो वो देते ही नहीं। देखना अब गुरुदेव को बताऊंगा, तेरी सहमत आएगी, तुम भी आना श्रोताओ, देखना इस कपटी की कपट का सामने, तेरे सामने तुम्हारे इसकी पोल पटेगी, तुम आ जाना। अब वो वास्तविक प्रसन्न था, वो तो उतर दिया नहीं, बकवाद गड़न लग गया, क्योंकि इनके पास उत्तर तो है नहीं। और अब वो समय रहने के सबको ये गुरु लोग नो बहकाते, जैसे पहले वो बहका लिया करते, ऐसे शिक्षक थे अपने पूर्वज, और उनको ऐसे गुमराह कर देते थे, ये क्या जाने दुल्हा झूठ बोलता, कहीं नहीं लिखा शास्त्रों में, हम शास्त्र जानते, ये क्या जाने शास्त्रों को। तो फिर यह भी बात ठीक थी, भाई ये बालक सा दिख है और ये विद्वान पुरुष, तो हमारे पूर्वजों ने भगवान को तो रिजेक्ट कर दिया उनकी आधार पर, और उन पाखंडियों को फिर विद्वान माने रखा, और वही धारणा हमारे अंदर फैली हुई अभी तक। और अब वो समय रहा नहीं, अब तो सामने शास्त्र अपने हम खूब देख सके, सब बेटे भाई बहन बुजुर्ग नौजवान बालक सारे शिक्षित है, अपने शास्त्रों को फिर देख लेंगे क्या बात होगी। कोई बात नहीं, जब भी समझ में आ जा, कहानी सुलट जा, वहीं से शुरू कर दे, इस जीव का कुछ नहीं बिगड़ा, असंख्य जन्म होने अभी कौन सा पीछा छूट गया, अब शुरू कर देंगे तो भी बात नजदीक लगेगी, यानी कुछ राहत ज्यादा ही मिलेगी। अब कहने लगा कल देखना, मैं तेरे गुरुदेव को बताऊंगा, जाके कल तेरी शामत आएगी। कबीर साहब बोले जो गुरुदेव मुझे सजा देंगे, सिर माथे है सिरोधारी होगी, गुरुदेव कब कब सजा देवें, ये सोचकर कबीर साहब उठकर चल पड़े। अब उस ऋषि ने जाकर रामानंद जी से कहा कि गुरुदेव हे स्वामी जी, हमारा तो बाहर निकलना दूभर हो गया, हमारी तो नाक काट दी। कबीर रामानंद जी कहने लगे क्या बात हुई पुत्र, कि एक नीच जात का दुल्हे का बेटा नीरू का पुत्र वो कहता है सारी भरी सभा में सत्संग में उसने कहा कि मैंने आपको गुरु बना रखा है, और मेरी तो भगवान कति गर्दन नीची होगी, मैं तो दुनिया को आंखें नहीं मिला सकता किसी तरह। रामानंद जी कहने लगे कि कल उसको बुला कर लाना सुबह सुबह, अब तो देर हो गई है, कल सुबह सुबह उसको लाओ बुला करके, और सबको इकट्ठा कर लो, उनके सामने जूते लगाऊंगा और पूछूंगा मैंने कब तुझे दीक्षा दी थी। अब नेक्स्ट डे अगले दिन अब श्रोतागण भी, क्योंकि गुरु जी ने बुलाए तो सारे जाना ही था, सभी ने, वो पहुंच गए रामानंद जी के आश्रम के सामने और बैठ गए बहु संख्या में। उधर से कबीर साहब की झोंपड़ी पर 10 व्यक्ति गए ब्राह्मण लोग पकड़ के लाने के लिए, किसको, उस परमेश्वर को। अब मुंह बोली माता नीमा ने देखा कि ये ब्राह्मण लोग आज तुम्हारे घर की तरफ कैसे आ रहे हैं, और उससे पहले भी कबीर साहब किसी विद्वान पुरुष को कोई ऐसे छेड़ाते थे, कह देते थे सच्चाई तो उलाने लेकर आया करते हुए, और कहा करते या तो अपने बेटे ने बरज लेना, इसने कूट देंगे हम। तो नीमा अपने बच्चे को रूप में परमात्मा को धमकाया करती थी, बेटा तू मत छेड़ा कर इनको, तू नहीं जानता माँ की ममता को, ये मार डालेंगे बेटा तुझे, और तू मत छेड़ा कर। तो कबीर साहब कहा करते माता क्या बताऊं, सच कहूं तो जग मारे और झूठ कही ना जाई हो, और सच्चे ने दुनिया माना नहीं है, झूठा जगपति आई हो, यानी झूठा की तो पक्की मान रहे, और मैं सच्ची बताऊं मेरे सुखो ये मानते नहीं, मुझे मारने लग जाते हैं, और मेरी मजबूरी है माँ, क्या करूं मैं, ये सब मेरे बच्चे हैं, ये सब इनको सब बता समझाने के लिए मैं आया हूँ। फिर वह माँ उसको धमकाती, तू क्यों दादा बना करे, छोटा सा बालक, तेरे बच्चे हैं, तेरे बच्चे देखा को नहीं, वो धमका देती उनको। तो उस दिन जब माता ने देखा कि ये आज फिर कोई किसी का जो है ना छेड़ा छाड़ी करके आया है, और ये आज फिर हमारी तरफ ही आ रहे हैं, अब फटाफट अंदर गई झोंपड़ी में, और कबीर साहब से को उठा, निकम्मा तूने किसने छेड़ दिया तूने, अकमा क्या छेड़ू था मैं तो सच कहता हूँ, कोई सुनता ही नहीं मेरी, मैं बोली खड़ा हो तू यहाँ से, और झोपड़ी के पीछे बैठा दिया और ऊपर कपड़े कुपड़े डाल दिए, तो बोलिए मैं थोड़ी देर। अब वो आए 10-12 जने, वो 10 जने ब्राह्मण लोग कहने लगे कहाँ वो तेरा कमबख्त, तेरा बेटा कहाँ, वो कबीर उसको बाहर निकाल। वो कहने लगी क्या क्या बात कर दी मेरे पुत्र ने, क्या क्या कर दिया, किसका क्या बिगाड़ दिया, क्यों नाराज हो पंडित जी। कहने लगे अभी पता लगेगा उसको, वहां गुरुदेव के सामने पेश करेंगे, देखना आज उसके साथ क्या बीतेगी।
तो ऐसा कहते कहते अंदर घुस के झोपड़ी में उस चारपाई को उठा उठा कर पटके, उन कपड़ों को उठा उठा पटके, देख कर नीचा ऊंचा करके, और माता कह पूछ रही है क्या बात होगी, बात तो बता दो। अब कसाब ने सोचा ये नादान मेरी माँ ने दुखी करेंगे, मुंह बोली माँ को, और ये बताएगी नहीं और ये बदतमीजी करेंगे। तो बाहर बैठ के बैठे बैठे कहते हैं पंडित जी मैं तो झोपड़ी के पीछे बैठा हूं। अब वो न तो देखा भी, वो तो बाहर है, भागे गए बाहर और पकड़ के चल पड़े उस कबीर को, एक हाथ पकड़ के परमेश्वर को। अब माँ अपने बेटे के चिपट रही लिपट रही है और उसको धक्का देकर पटक जाते हैं, वह फिर पछाड़ खा खा के गिरती है। मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मत ले जाओ मेरे बच्चे को, समझा दूंगी, क्या कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, पर वो नहीं सुनते हैं और माता को धक्के देकर छोड़ जाते हैं। अब रामानंद जी ने क्या किया, अपनी झोंपड़ी के आगे कुटिया के सामने पर्दा लगा दिया सदर का, और सामने श्रोतागण बैठे हैं और सामने कबीर साहब को लाके खड़ा कर दिया, ये दिखाने के लिए कि मैंने तो इसके दर्शन भी नहीं करता इन छोटी जाति वालों के, मैं ऐसा स्वच्छ ब्राह्मण हूं। तो बाहर खड़े हैं कबीर परमेश्वर और शिष्यों ने आकर कहा स्वामी जी ये आ गया वो छोटी नीच जाति का बच्चा दुलाहे का कबीर। रामानंद जी अंदर से पूछते हैं कौन तुम्हारी जाते हैं, कौन तुम्हारा पंथ, क्या बोले कि क्या जात है तेरी और तूने कौन से मार्ग, कौन सा मार्ग है तेरा अगर तूने दीक्षा ले रखी है, परीक्षा लेना चाहते हैं। तो कबीर साहब कहते जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंते। क्या बताते हैं कि मेरी जाति पूछते हो स्वामी जी, तो मैं जगत गुरु, जगत गुरु माने सारे ब्रह्मांडों को सत्ज्ञान देने वाला वो कुल मालिक वास्तविक गुरु मैं हूं, और मेरा पंथ पूछना चाहते हो, मैं किस भगवान का मार्गदर्शन करता हूं, परमेश्वर का, ईश्वर परमेश्वर, ब्रह्म परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष सत पुरुष यानी परम अक्षर पुरुष, यानी परम अक्षर पुरुष परमेश्वर का मैं मार्गदर्शन करने आया हूं, और अगर मेरा नाम पूछो तो मैं जो वास्तविक नाम सब पुराणों में वेदों में जो नाम लिखा है ना, मैं वही परमात्मा कबीर हूं। इस बात न सुनकर रामानंद जी नाराज हो गए और कहने लगे कि तो नीच जाति का व्यक्ति बालक, तेरी माँ का बेराना, तेरे पिता का पता नहीं है कुजात, और तू बात करे भगवान बन अपने आप को प्रभु बताता है, तेरे को शर्म भी नहीं आती, ऐसी ऐसी कई कई ऊटपटांग बातें कही। तो कबीर साहब क्या बोले कि सुन रामानंद राम हम बावन नरसिंह, दास गरीब कली कली ही हम ही कृष्ण अभंग। कहने का भाव क्या बताती हैं, जैसे प्रधानमंत्री कह सकता है कि मुख्यमंत्री की पावर भी मेरे अंदर है और एक मंत्री की पावर भी मेरे पास है और हम जीव आम अधिकारी भी की पावर भी मेरे अंदर समाई हुई है, ऐसे वो परमात्मा कहते सुन रामानंद राम हम, जिस श्री राम की तुम महिमा गाते हो उस वो भी मेरे अंतर्गत आता है। और फिर क्या बोले ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सृष्टि के रचने वाला कुल मालिक, ए स्वामी सृष्टा में ये सृष्टि हमरे तीर, मेरे आधार है सारे ब्रह्मांड, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसो हूं, अधर माने सतलोक में रहता हूं मैं, अवगत सत कबीर, सत कबीर हक्का कबीर, मैं सतलोक में भी रहता हूं, मैं वो परमात्मा सतपुरुष हूं। अब रामानंद जी ने सोचा भाई ये तो बड़ी बड़ी बात करता है, कहने लगा बच्चा तू बैठ जा थोड़ी सी देर, बाद में बात करूंगा तेरे ते, पहले मैं अपनी कुछ पूजा रहती हूँ पूजा कर लेता हूँ। अब पूजा क्या करते थे स्वामी रामानंद जी, हालांकि वेदों को पढ़ते थे और गीता भी पढ़ते थे लेकिन इसका निष्कर्ष निकालना कोई बालकों का काम नहीं है, उस परम पिता कबीर साहब की रजा ना हो जब तक ये प्राणी कुछ नहीं समझ सकता इन वेद और शास्त्रों को। अब उस महापुरुष ने बहुत कुछ समझा था लेकिन पूर्ण परमात्मा के बारे में एबीसी भी ज्ञान नहीं था, फिर भी अपना कर्म कांड करते थे, लोग दिखावा नहीं करते थे बल्कि गुप्त करते थे। क्या कर्म कांड क्या होता है,
उसका एक पार्ट होता है कि भगवान की मूर्ति बनाते विष्णु जी की, ठाकुर की, पत्थर की, जैसे वैसे करते हैं सामने। तो उसको पुराने कपड़े उतारते हैं सुबह सुबह पहले वाले, और नए नवा कर मूर्ति को फिर उसको कपड़े पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, माला डालते हैं कंठी, और ऊपर मुकुट रखते हैं। ऐसे वो श्रद्धा से भगवान की डेली पूजा करते हैं कर्मकांड करने वाले। अब रामानंद जी मूर्ति तो नहीं रखते थे पत्थर की, लेकिन कल्पना से मूर्ति बनाते थे अपने ध्यान में भगवान विष्णु की। और फिर उस मूर्ति के उन्होंने उस दिन भी कपड़े उतारे, और जैसे गंगा जल अपने सिर पर रख के लाए हो प्रेम से अपने भगवान के लिए, उससे जैसे नवाई मूर्ति, और फिर कपड़े पहनाए नए धोए दाए साफ स्वच्छ, और फिर तिलक लगा दिया और मुकुट रख दिया, माला ना डाली उस दिन, वह कंठी रहेगी डालनी भगवान के गल में। कल्पना से बना रहे, रोजाना का अभ्यास था उनका, जैसे सौपन होता है। अब कंठी ना डाली, माला ना डाली, तो पूजा अधूरी रहेगी, उस दिन की लगे नहीं, ऐसा उनकी सोच है। और फिर मुकुट उतारा नहीं जाता, मुकुट उतार दे उस दिन रखने के बाद तो पूजा खंडित, उस दिन की पूजा गई, भक्ति खत्म हुई। अब उसने रामानंद जी सोच रहे हैं कि अब क्या करूं, आज तो पहली बार ये माला डालनी भूलिया मैं, और यह के गलती हुई भगवान मेरे ते। तो उसने माला उठाई, सोचा इस मुकुट में से डाल दूं, मुकुट तो उतार नहीं सकते आज, तो मुकुट में माला फंस गई, वह नीचे ना आवे। और फिर बैठ के असमंजस में हो रहे हैं, अंदर अंदर बहुत मायूस हो गए, परमात्मा आज मेरे से क्या गलती होगी इस दाता इस दास पे, और पहली बार जीवन में धोखा खाया, मेरी भक्ति गई आज, क्यों नाराज हुए आप मेरे ताज, ऐसी क्या कहानी बन गई। यानी धनवान जो ज्यादा धनवान होता है ना, उसका थोड़े नुकसान में दुख हो जाया करे। तो ये ज्यादा धनवान थे भक्ति के, और एक दिन की भक्ति भी जाया जनगत नजर आवची, तो उसने बहुत दुख हो रहा था, बहुत कल्पना कर रहे थे, अंदर तड़प रहे थे। तब बाहर बैठे भगवान, बीच में पर्दा है और केवल कल्पना मन में कर रही है रामानंद जी। कबीर साहब कहते हैं, स्वामी जी इस माला की गांठ खोल लो, इसकी गुंडी खोल लो, और गुंडी खोल कर फिर गले में डाल दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा, आपकी पूजा खंडित ना होगी। ओए होए होए, अब किसकी तक गांठ खोल था, किसकी गुंडी खोल था, जब पता लग गया सामने भगवान बैठे, मेरी मन की बात पकड़ गए, ये तो प्रभु आए हैं। कहते हैं डोडी पड़दा दूर बगा, अरली ना कंठ लगा। एक तरफ तो पूरा ब्राह्मण समाज बैठा है, और एक तरफ परमात्मा खड़े हैं। अब इसको विद्वान कहते हैं, इसे ब्राह्मण कहते हैं, जो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान ले कि फिर लोग लाज के आग लगा दे। उन्हें नहीं देखा कि दुनिया क्या कहेगी, तू ब्राह्मण होगा, छोटी जाति के बच्चे को सीने से लगा रहा, उनको भगवान देखा और भगवान समझ के उसको सीने से लगा दिया। ओए होए, बोलो सतगुरु देव की जय। अब क्या होता है कि रामानंद जी ने जब उस परमेश्वर को सीने से लगाया तो क्या कहने लगे, ये तो दीक्षा तुम दई ये मान ली मन मोरे, गरीब दास कोमल और से और हमरा बदन कठोर। हे परमात्मा, आपका शरीर तो ऐसा जैसा कमल रुई रुई जैसा शरीर, क्योंकि परमात्मा कबीर साहब का शरीर हार्ड चाम से बना हुआ नहीं था, वो तेज पुंज का शरीर है। क्या बताते हैं कि हे परमेश्वर, मेरा तो बद्र जैसा शरीर है आपकी तुलना में, और आपका तो कोमल पुरुष, आप कोमल पुरुष, कोमल भगवान, विनम्र शरीर भगवान आपका, और हमरा बदन बदन कठोर। अब देखो परमात्मा ने पूरी लीला दिखानी थी अपनी। अब उसमें तो उन्होंने प्रभु नजर आए सामने, और फिर इस मन पर माटी डाल दी कि ये आगे वार्ता नहीं करेगा, जब भगवान समझ गया तो मेरे को। अब क्या भी अपने उसकी बुद्धि को अंदर चेंज कर दिया कि कहीं कोई ये थोड़ा बहुत सिद्ध पुरुष होगा, मन की वृत्ति जानता होगा, और परीक्षा लेता हूं उसकी। क्या कहने लगे कि हे भगवान, ये तो बात आपकी मेरे समझ में आ गई कि आपने ये लीला क्यों की मेरे लिए, क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि स्वामी जी हम एक पिता की संतान हैं, और देखो जाति पाति तो नादान लोग बनाते हैं, संत लोगों का काम जाति और मजमूल जनानी होता। हम आज कोई हिंदू है, आज कोई ब्राह्मण है, कल मृत्यु हो जाएगी तो वो किसी छोटी जाति का जन्म होगा उसका, छोटी जाति वाला मानते हो आप जिसको, वो कल ब्राह्मण भी हो सके है। और परमात्मा के मार्ग में जब तक ये हमारा द्वितीय मत है तो प्रभु दूर है अपने तय। नफरत का कारण प्रभु को पसंद नहीं,
ठीक है, ऊंच नीच वो व्यक्ति हैं जो बीड़ी पीवे, शराब पीवे, मांस खावे, हुक्का पाड़े, ताश खेले, दुनिया को लूटे, बहन बेटी की तरफ बुरी नजर से देखे, वो चाहे किसी जाति का है वो नीच है, और जिसमें सारे गुण है, बुराइयों से दूर है, प्रभु की भक्ति करते हैं, नेक नीति से रहते हैं, वो ऊंच है स्वामी जी। तो स्वामी जी कहने लगे, बेटा भगवान ये तो बात मेरी समझ में आ गई कि आपने ये लीला मेरा ये भ्रम तोड़ने के लिए की थी, आज के बाद मैं कभी किसी जाति वाले से कोई फर्क नहीं करूंगा, ये मेरी कसम समझ लेना। अब फिर उनकी बुद्धि बदल दी थोड़ी सी, क्या कि बच्चा एक बात बता, आप इतने जानी जान हो, इतने विद्वान हो, ऐसे शक्ति युक्त हो, और फिर आपने झूठ क्यों बोला? स्वामी जी से कबीर साहब कहने लगे, मैंने झूठ कहां बोला स्वामी जी, बताओ कि आपने झूठ बोला कि मेरे से आपने दीक्षा ली है, आपने मुझे गुरु बना रखा है? हाँ जी, मैंने आपको गुरु बना रखा है। कब बनाया आपने? कि एक समय स्वामी जी मैं पंच गंगा घाट की पौड़ियों पर लेटा हुआ था और आप स्नान करने के लिए गए थे, आपकी दुख याद होता है, आपकी खड़ाऊ मेरे शर्मा लगी थी, मैं रो रहा था, आप कहने लगे, बेटा रो मत, राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम के नाम से दुख दूर होते, और मैंने आपका, आपने मुझे नाम दे दिया, मैं अपना जाप करता हूँ आपका, आपको गुरु बना लिया। अब उसको याद आई स्वामी जी को, कहा भी बात, एक बच्चा एक दिन हुई तो यह घटना जरूर थी। फिर कहने लगे, बेटा वो तो छोटा सा बालक, क्योंकि 5 वर्ष के बालक में और 2.5 वर्ष के बच्चे का डबल डिफरेंस होता है शरीर में कुदरती, तो उसने देखा कि वो इतना बड़ा बच्चा तो नहीं था जितना आप हो। तब कबीर साहब ने क्या किया कि दूसरा रूप एक 2.5 साल के बच्चे का, रामानंद जी के कोई सेवक की खाट चारपाई थी उस पर 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप और बना दिया दूसरा, कि देखो स्वामी जी ऐसा था मैं और 5 वर्ष के रूप में सामने खड़े है। 6 बार तो स्वामी जी ने उधर देखा, 6 बार देखा उस बच्चे की तरफ, 5 वर्ष के बच्चे को, 6 बार 2.5 वर्ष के बच्चे को, आंख मसल कहीं तरह धोखा ना लग गया। इतने में वो 2.5 वर्ष का बच्चा वाला रूप ऐसे उड़ के आकाश में, ऐसे हवा में, और उस 5 वर्ष के बालक के शरीर में जो का तो समा गया। जब रामानंद जी की आंख खुली रही तो बालक को इनवाइट, फिर रामानंद जी कहने लगे, बेटा कि मैं राम नाम तो नहीं देता, मैं राम का नाम तो नहीं देता, तो मैं तो कोई और नाम देता हूं। कबीर साहब बोले, आप ओम नाम देते हो। अब जान गए भाई ये कैसे समझ गया, क्योंकि ये गुप्त रखते हैं, क्योंकि सीधा नहीं बोला जाता। अब जैसे पहले क्या करते थे अपने पूर्वज, एक दूसरे से कहते थे राम राम भाई, दूसरा कहता था राम राम जी, राम राम। अब ये क्या संकेत होता था कि पहले अपने पूर्वज सभी नाम लिए हुए होते थे, कोई भी किसी जाति से होता था वो उपदेश जरूर लेते थे। ये तो बाद में जो है ना कलयुग में आ गया, जाति गणा कर गई, पहले इतना नहीं था, और ओम नाम का ही जाप जपते थे। ओम नाम उपदेशी दूसरे को नहीं बता सकता, वो मंत्र जो गुरु ने दे रखा, नहीं तो उसके द्वारा वो उपदेश उसको हो गया और वो अधिकारी नहीं, इसलिए दोषी हो जाएगा, इसलिए वो सीधा नहीं बताते, इसको सांकेतिक नाम और देते हैं। जैसे हम सत्साय बोलते हैं, सत्साय माने सत्यनारायण, सत्यनारायण माने अविनाशी भगवान, उसको सत्यनारायण कहते हैं हम। ऐसे राम एक सांकेतिक शब्द है उस उपदेशी को संकेत देने के लिए, क्योंकि यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा है कि ओम कर्तु समर, कल्वे समर और कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते जपो, विशेष कसक के साथ जपो, और फिर अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य समझ के भगवान का नाम, ओम नाम का जाप जपते रहा करो। तो यही तरीका है, आपने गीता में देखा था 8वें अध्याय के श्लोक 7 से लेकर 10 तक कि भगवान ब्रह्म कहता है मेरा नाम जपना है तो ओम नाम का जाप है, और वो भी अंतिम श्वास तक जाप ही करते रहना होगा, और उस परमात्मा का भी नाम अंतिम श्वास तक जाप ही करना है, वो संत बताएगा, अर्थात नाम से ही मुक्ति होती है। तो क्या करते थे, जैसे नाम ले रखा है ना किसी ने, तो गुरुदेव कहा करते, बेटे एक दूसरे को याद दिला करो भी, नाम जपते रहो कि भूलना पड़ गई हो। जैसे रस्ते में मिला कोई भाई राम राम, दूसरा कहता राम 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 राम, कि उसका संकेत होता था कि यदि कहीं भूलना गया हो गुरुदेव के मंत्र को याद रखना, तो वो कहता सामने वाला संकेत करता राम 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 राम, या तो ये कहता मुझे याद है, या ये कहता मैं भूल पड़ गई थी अब शुरू कर देता हूँ राम राम, हाँ यागी याद, यागी याद। तो ऐसे वो संकेत से ताकि उनको भूल ना पड़े एक दूसरे को संसारिक चिंतन में, ताकि भगवान का चिंतन ना भूल पड़ जावे, ऐसे ये राम राम कहा करते थे।
अब ये अनजान लोग वो वास्तविक मंत्र भूल गए क्योंकि मनमुखी संत है, अब राम राम जाप कर देने लगे, राम 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 राम, एक एक हजार माला जप दे राम राम की बेड़ा पार हो जाएगा। ये शास्त्र ये मनमुखा आचरण है। अब गीता में लिखा है 7-8 अध्याय के 13 श्लोक में कि मेरा तो केवल एक अक्षर ओम नाम है और दूसरा कोई मंत्र नहीं पृथ्वी का जो मेरे प्राप्ति का, बाकी मनमुखी नाम है वो उनसे लाभ नहीं हो। कबीर साहब कहते हैं कोटि नाम संसार में उनसे मुक्ति ना हो और सार नाम मुक्ति का दाता वाकु जानना को। तो जब ओम नाम जो है ये दिया जाता था तो स्वामी जी समझ गए बिल्कुल ठीक है भाई बात तो बालक को ना। फिर कहने लगा बच्चा मैं तो एक कंठी भी देता हूं, वो है आपके पास? वो निकाल के दिखा दी कि देखो जी ये रही, क्योंकि वो अंधेरे में उनके गले तो निकल के वो तो लीला थी वो ऐसे डाल दे परमात्मा। रामानंद जी जान जो समझ गया कि तो बालक कौन भाई, ये तो कोई और कहानी है। तब पूछा परमात्मा ने कि क्या भक्ति करते हो स्वामी जी, आपका कौन इष्ट है? कहने लगा बच्चा मेरा भगवान विष्णु इष्ट है, मैं विष्णु जी के लोक में जाऊंगा और वहां पर ना दूधों की नदी बह है और वहां पर ठाठम ठाठ है, मुझे देव शरीर मिलेगा, वहां मौज होगी। कबीर साहब कहने लगे स्वामी जी कितने दिन रहोगे भगवान विष्णु के लोक में? वो तो विद्वान पुरुष थे, संकेत समझ गए। कहा बेटा बच्चा बात तो ठीक है तेरी, जब तक मेरा कोई संस्कार मेरी पुण्य कमाई का बनेगा तब तक मैं विष्णु जी के लोक में रहूंगा, और फिर कहां जाओगे? अकना जाने बच्चा कहां जन्म होगा, मैं बताता हूं, उसके बाद आप नरक में जाओगे और नरक के बाद फिर गधे बनोगे। ये प्रोसीजर आपके भगवान की भक्ति का। और ये आदमी असंख्य योग हो गया अपने कर्त्या ने, आज को पहली बार भक्ति नहीं है आपकी। और गीता जी के 8-16 श्लोक में लिखा कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी नाशवान है, ये एक ब्रह्मांड का ये देखिए ये ब्रह्म लोक है। और कहा कि ये सबसे ये जितने लोक है ना ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये तीन लोक और ये पाताल लोक और ये यहां तक के ये तो ना जाने कितनी बार विनाश हो जाएंगे, ये ब्रह्म लोक बचा रहता है। इसलिए ये ब्रह्म कहता है मेरी साधना इन औरों से बहुत अच्छी है। ये ब्रह्मा भी मर जाएगा, विष्णु की भी मृत्यु है, शिव की भी मृत्यु है, 7 ब्रह्मा मरेंगे जब एक विष्णु मरेगा और 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होगी और फिर भी इनकी मृत्यु है। तो जब तक ये नहीं मरते, ये 7 करोड़ शिव जो मर लेंगे तब यहाँ ये ब्रह्म लोक का विनाश होगा। इतना सथाई है ये 7 करोड़ शिव मर लेंगे काल के पुत्र तब ये ब्रह्म लोक का विनाश होगा, लेकिन होगा विनाश इसका भी, ये सथाई नहीं है। ऐसे लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सभी लोक पुनर्वर्ती में है। इस बात को विद्वान पुरुष स्वामी जी जानते थे, अब बिल्कुल ठीक है ये तो ब्रह्म लोक तभी नाश, ये विष्णु का लोक तो और नीचे। तो कहने लगे बेटा बच्चा के क्या बताऊं मैं, आज तक जितने भी विद्वान पुरुष हमने गुरुदेव मिले या कोई और महापुरुष मिले उन्होंने यही बताया है कि पूजा तो देखो सभी ब्रह्मा विष्णु महेश की करते हैं, भगवान निराकार बताते हैं। या बेरानी कैसे थ्योरी बनी हुई आप पे, भगवान विष्णु की आकार पूजा रखते हैं और फिर परमात्मा पूछे कैसा को तो पता नहीं, वो तो निराकार है, फिर ये पूजा किस लिए कर रहे थे आप? ऐसे ही स्वामी जी बोल रहे हैं रामानंद जी के आज तक हमने जिससे भी सुना वो निराकार बताते हैं परमात्मा को, और हम तो उसी तक की भक्ति में सीमित हैं। तब कबीर साहब कहने लगे स्वामी जी ये तो तुम आपने असंग जन्म हो गए भक्ति करते ने, और जन्म मृत्यु आपकी मिटी नहीं, क्योंकि 4-34 श्लोक में मान लीजिए 4-5 श्लोक में मान लीजिए आप भगवान विष्णु या कृष्ण की उपासना करते हो, स्वयं कहता आप मेरे और तेरे अर्जुन ना जाने कितने जन्म हो लिए, जन्म और मृत्यु हम दोनों की सदा बनी रहेगी। और स्वामी जी गीता बोलने वाले परमात्मा कहते हैं वो भगवान कोई और है उसकी शरण में जा, वो कौन है फिर? तो स्वामी जी कहता बच्चा मुझे मालूम नहीं वो कौन है, क्योंकि विद्वान पुरुष जो होते हैं ना नेक आत्मा वो फिर झूठ नहीं बोला करती, वो तगड़मबाजी नहीं अड़ाया करती, वो अपना जहां तक ज्ञान है वो बता देते हैं और फिर हाथ खड़े कर लेते मैं नहीं जानता, वो विद्वान पुरुष यानी वो भक्त आत्मा होती है। ये गीता जी 4 अध्याय और 5 श्लोक। हे अपरंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। भगवान का जिसकी आप पूजा करते हो, मान लीजिए आप विष्णु मान रहे हो, श्री कृष्ण मान रहे हो, श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हो, वो खुद कहता है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो गए और
तो ये तो आप नाशवान है, तो आप कैसे सथाई हो गए भगवान। और गीता बोलने वाला परमात्मा ये 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहता है कि मैं भी उसकी शरण में हूं, फिर वो भगवान कौन है। अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर 4 देखो, इसमें क्या वर्णन है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष अर्जुन, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा, तीनों गुण रूपी शाखा है, और कोई तुझे वो संत मिल जाए तो तत्वदर्शी है, वो ये सारे वर्णन बता देगा तुझे, और उसको समझना वो तत्वदर्शी है, फिर उसके चरणों में जाके अपना समर्पण कर देना, और जैसे वो भक्ति बतावे ऐसे करना। अब क्या बताता है कि उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए यानी उसके पास पहुंच गए उनकी जन्म मृत्यु फिर नहीं होती, वो फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है, जिस परमेश्वर से इस सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई है, इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। ओए होए, ये भगवान भी खुद कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूं, गीता बोलने वाला। और इसके पश्चात दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। हे स्वामी जी, ये कौन है वो भगवान। और फिर देखो 18वें अध्याय का 62वें श्लोक में ये खुद गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि अर्जुन, अगर तूने मुक्ति चाहिए, पूर्ण रूप से छुटकारा चाहिए, तो उस भगवान की शरण में चला जा। अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62 देखिए, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और कहता और बताऊं, मेरा भी इष्ट देव वही है। अब देखो, अब 63वें क्या कहते हैं कि इस प्रकार ये गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तेरे तो ही बता दिया। गीता जी का अंतिम अध्याय आ गया और बताया कि मैंने जो गुप्त से गुप्त भेद था तेरे आगे खोल दिया अर्जुन, अब तेरी समझ में आवे ऐसे कर ले। मेरी भक्ति करनी है तो ओम नाम का जाप युद्ध करना ही पड़ेगा, युद्ध भी कर और स्मरण भी कर, और उसकी शरण में जाओगा तो भाई ये झंझट मिट जाएगा जन्म और मृत्यु का, ना तने युद्ध करना पड़े ना कोई कर्म दंड तेरे पर है। इस प्रकार गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे कह दिया, इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर जैसा चाहता वैसा कर ले। और फिर बताओ, एक और गुप्त बताऊं, एक तो गुप्त ऊपर बता दिया और एक और गुप्त बताऊं, संपूर्ण गोपनियों से भी अति गोपनीय मेरे रहस्य युक्त वचनों को फिर सुन। यहां तक तो इन्होंने ठीक कर दिया, क्या बताया। फिर देखो, इष्ट है ये सर्वे गुहतम हुए स्वर्णों में परम वच, सबसे गुप्त और मेरे श्रेष्ठ वचन और सुन ले, एक बार बताऊं तेरे ते क्या। इष्ट असी में दृढ़म इति, जिसकी तरफ मैं संकेत कर रहा हूं, ये मेरा भी पूज्य देव वही है। इष्ट माने पूज्य देव, असी माने है, मे माने मेरा, दृढ़म माने पक्का, नो डाउट। और ततक बख्शामि ते हितम, ये तेरे हित में कहूंगा, मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। अभी इन्होंने यहां क्या कर दिया कि मेरे अतिश प्रिय हो, इष्ट का अर्थ प्रिय कर दिया, यहां बात बिगाड़ दी इन्होंने। अब रामानंद जी तो समझदार बुद्धिजीवी थे, एक दिन समझ गए कहा बात, बच्चा बात तो तेरी सारी ठीक है, पर कहीं ऐसा ना हो मैं घर का रहूं न गाट का, कि सारी उम्र तो पूजा की मैंने ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक, और अब आप बता रहे हो भगवान कोई और है। कबीर साहब कहने लगे, मैं नहीं बता रहा, आपकी गीता बता रही है, और उसका भेद ये गीता बोलने वाला भगवान नहीं बता सकता। वो कहता मैं नहीं जानता उस परमेश्वर के बारे में, वो तो कोई तत्वदर्शी संत है, उसके पास जा अर्जुन और वो बताओगा, फिर जैसे वो बताओ भाई ऐसे कर लेना, मैं उस परमेश्वर के बारे में नहीं जानता। ये आपका भगवान खुद हाथ खड़ा करता है, और वो तत्वदर्शी संत मैं हूं स्वामी जी, अगर आपका विश्वास हो जाता है। ये गीता जी अब क्या बताते हैं, कबीर साहब कहते हैं मैं नहीं बता रहा, ये तो आपका भगवान बता रहा कि वो परमात्मा कोई और है जिसकी पूजा से जन्म मृत्यु होगी, नहीं तो तेरी और मेरी मृत्यु सदा बनी रहेगी, जन्म और मृत्यु। अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34, उस ज्ञान को, उस परम तत्व परम पूर्ण परमात्मा के ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर उन समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, वह परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब ये भगवान भी हाथ खड़े कर गया कि मैं नहीं जानता उस परमात्मा के बारे में, वो तो कोई संत तत्वदर्शी आओगे अर्जुन,
और वो तेरे को मिल जाए, तेरे भाग उदय हो जाएंगे। फिर उनके चरणों में गिर जाना, उनसे नम्रता पूर्वक बोल के उनके मंत्र देकर अपना बेड़ा पार करवाना। अब स्वामी जी को कबीर साहब कहते वो भक्त वो शांति में तेरे आपके सामने बैठा हूं। और देखो रही बात के मैं घर का रहूं ना घाट का, आपने असंख्य योग हो गए ये भक्ति करते, इससे तो लाभ होना है को नहीं। ठीक है स्वर्ग चले गए फिर गधे बनोगे, 84 माना ही आना पड़ेगा इसको, तो जब भी छोड़ दोगे जब भी फायदा होगा आपको। और ऐसा मंत्र दूंगा तो प्रमाण शास्त्रों में, और आपकी फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। तो रामानंद जी कहने लगे बच्चा अब देखो आप छोटे से बालक नजर आओ मुझे, और ज्ञान आपका कति श्रेष्ठ पर मन पापी विश्वास नहीं कर पा रहा है। अब मुझे एक बार दर्शन हो जाना उस स्थान के फिर बात बने। कबीर साहब बोले भाई देखिए करे क्यों नई नए स्थान नई भक्ति को प्रवेश करना है तो ये भी कृपा बख्शनीय पड़ेगी। कहने के स्वामी जी वो कहता है रामानंद जी कि मैं ना अंदर समाधिस्थ होकर बहुत कुछ देखता हूँ। कबीर साहब बोले देखो क्या देखते हो। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।